आज के वीडियो में हम हुंडई क्रेटा के एसएक्स एग्जीक्यूटिव मॉडल को, जो कि अभी क्रेटा का न्यू लेटेस्ट मॉडल है, उसको कंपेयर करेंगे क्रेटा के एस मॉडल से। ये दोनों ही आप देखो तो क्रेटा के कॉन्जिक्यूटिव मॉडल हैं और प्राइस में लगभग 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो यहाँ पे SX Executive खरीदना चाहिए जो कि S मॉडल से 1 लाख रुपए या 99,000 महंगा है, या फिर क्रेटा का S मॉडल ही ले लेना चाहिए, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो सही लगे ना तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, और इससे पहले भी बहुत सारे कंपैरिजन है मेरे चैनल पे, तो वो आप विजिट करके देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको प्राइसिंग ही बता देता हूँ। तो क्रेटा का जो S मॉडल है उसमें पेट्रोल में प्राइस है 12.19 लाख और डीजल में मैनुअल की प्राइस है 13.19 लाख। और गाइस आपको बता दो, दोनों ही कार में केवल मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और दोनों ही मॉडल्स में आपको टर्बो पेट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। अब SX Executive की प्राइस को देखो तो इसमें पेट्रोल मैनुअल की प्राइस है 13.18 लाख और डीजल मैनुअल की प्राइस है 14.18 लाख। तो प्राइस में डिफरेंस आप देखो, पेट्रोल में भी 99,000 का डिफरेंस, डीजल मॉडल में भी 99,000 का डिफरेंस है। अब डायमेंशन आप देखो तो दोनों ही गाड़ी सेम है, तो डायमेंशन भी सिमिलर है, डायमेंशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्रेटा का एग्जैक्ट डायमेंशन कितना है आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, 4 मीटर से बड़ी इसकी लेंथ है, 4 मीटर से ऊपर वाली SUV है ये। अब देखते हैं इंजन को, तो दोनों ही कार में सिमिलर इंजन है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो एक इंजन है इसमें 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन जो कि मैक्स पावर देता है 113.4 BHP की, मैक्स टॉर्क देता है 143 Nm का। दूसरा इंजन है 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन जो कि मैक्स पावर देता है 138 BHP की और मैक्स टॉर्क देता है 242 Nm का। मैनुअल ट्रांसमिशन में ये देखने को मिलेगा, में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन 1.4 लीटर का है वो नहीं देखने को मिलेगा। अब चलते हैं फीचर्स की तरफ और डिसाइड करते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा वर्थ रखती है। तो पहले तो आप दोनों ही कार के एक्सटीरियर को चेकआउट करो। गाइज आप ये ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव की प्राइस 1 लाख रुपये 99,000 S मॉडल से ज्यादा है, तो प्राइस के डिफरेंस को ध्यान में रख के ही ये फीचर्स को आप कंपेयर करना। इंजन सिमिलर हो गया, डायमेंशन सिमिलर हो गया, तो यहां पे तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो पहले तो आप क्रेटा SX Executive के फीचर्स को देख लो। इसमें आपको एक्सटीरियर में 17 इंच के सिल्वर एलॉय देखने को मिलते हैं, सिल्वर स्किड प्लेट है, इंडिकेटर ORBM में देखने को मिलते हैं और जो ORBM है वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल है, एडजस्टेबल है। ट्राई बीम LED हेडलाइट है, LED DRL के साथ रूफ रेल्स हैं, क्रोम ग्रिल मिलती है फ्रंट में और लुक्स काफ़ी अपीलिंग लगता है और टॉप मॉडल वाली आपको फीलिंग मिलती है। ऑब्वियस बात है टॉप ऑफ द लाइन है, SX में आता है तो SX क्रेटा का टॉप ऑफ द लाइन में आ जाता है। अब आप S मॉडल में देखो तो S मॉडल में एक्सटीरियर में आपको 16 इंच के स्टाइल स्टील व्हील देखने को मिलते हैं कैप के साथ। एग्जीक्यूटिव में एलॉय व्हील थे 17 के, लेकिन इसमें 16 इंच के स्टील व्हील हैं, तो ये एक मेजर डिफरेंस निकला। सिल्वर स्किड प्लेट है और हाँ, लाइट में भी डिफरेंस है। एग्जीक्यूटिव में ट्राई बीम LED थी, लेकिन इसमें बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलाइट है, ये भी यहाँ पे एक डिफरेंस निकला। क्रोम ग्रिल है, रूफ रेल्स है, इंडिकेटर ORBM में है, बट गाइस यहाँ पे जो S मॉडल का ORBM है वो ऑटो फोल्डेबल नहीं है, तो ये एक डिफरेंस निकला। तो एक्सटीरियर में यहाँ पे मेरे हिसाब से भाई ज़्यादा डिफरेंस है, एलॉय व्हील उसमें आपको देखने को मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं है हेडलाइट वगैरह, तो ये एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। आप दोनों ही कार्स को फिजिकली चेकआउट करो, फिर देखो कि कौन सी गाड़ी का लुक आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मुझे पर्सनली SX Executive ज़्यादा प्रीमियम लगती है, फ्रंट से देखने में, साइड से देखने में भी, ठीक है। अब अंदर की तरफ चलें, अंदर के फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो दोनों ही कार का जो इंटीरियर है वो डुअल टोन में दिया गया है। पहले तो आप SX Executive के अंदर में फीचर देखो क्या मिलता है। तो डुअल टोन का इंटीरियर है, पीछे वाली सीट है उसमें रियर हेडरेस्ट में कुशंस ऐड किए गए हैं SX Executive में और लेदर स्टेयरिंग रैप है। फ्रंट डोर इसका प्लेट मिलती है, रियर विंडो सनशेड है, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है, पैनोरामिक सनरूफ है, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक AC और रियर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर्स दिए गए हैं। फ्रंट में तो आर्मरेस्ट है ही SX Executive में, सारे साथ में रियर में भी आर्मरेस्ट दिए गए हैं और 60-40 स्प्लिट सीट है। ऑडियो के कंट्रोल दिए गए हैं, स्टेयरिंग में 4 स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन इसमें गाइस कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। ऑडियो के कंट्रोल्स तो दिए गए हैं बट इंफोटेनमेंट वाला स्पॉट वह पूरा खाली है, यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट या हुंडई से ही आपको लगवाना पड़ेगा, तो ये एक डिफरेंस निकला। अब आप S मॉडल के फीचर्स को देखो तो इसमें भी अंदर की तरफ चलो तो डुअल टोन इंटीरियर है, रियर विंडो सनशेड दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल है, स्मार्ट की है पुश बटन स्टार्ट के साथ और ऑटोमेटिक AC है, लेकिन जो आर्मरेस्ट है S मॉडल में वो केवल फ्रंट में देखने को मिलता है, रियर में आर्मरेस्ट नहीं दिए गए हैं। चारों पावर विंडो हैं, इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है ब्लूटूथ के साथ, एंड्रॉयड ऑटो के साथ, एप्पल कार प्ले के साथ, 4 स्पीकर इसमें भी दिए गए हैं, स्टीयरिंग में ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं,
तो गाइज यहाँ पे ना एक चीज मुझे समझ आ रही है कि SX Executive में एक्स्ट्रा क्या मिलता है कि इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है, स्कफ प्लेट मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है और थोड़े बहुत और प्रीमियम टच अंदर की तरफ आपको देखने को मिलता है। बाकी जो S मॉडल है ना उसमें भी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि S मॉडल में एक्स्ट्रा आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है जो कि SX Executive में नहीं मिलता। बट गाइज आपको होता हूँ मेरे हिसाब से यहाँ पे 99,000 rupees SX Executive के लिए देना वर्थ रखता है, क्योंकि पहली बात तो आप देखो इतना बड़ा सा सनरूफ मिल जाता है, उसी के साथ अलॉय व्हील्स हैं, एलईडी हेडलाइट्स हैं, कुछ प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं। तो ये सारे फीचर्स के लिए SX Executive S मॉडल के कंपैरिजन में मेरी नज़र में ज़्यादा वर्थ रखता है। अब आपने फीचर्स देख लिए, अब आप सेफ्टी देखोगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स में भी मेजर डिफरेंस है। तो पहला तो ये कि आपको बता दूं SX Executive में पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं लेकिन S मॉडल में केवल फ्रंट में डिस्क है, तो ये भी भाई बहुत बड़ा डिफरेंस निकलता है। बाकी जो स्टैंडर्ड सेफ्टी होती है डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS, EBD, पार्किंग सेंसर, ये दोनों ही कार्स में हैं, लेकिन SX Executive में कुछ प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल। ये आपको SX Executive में मिलेगा लेकिन आपको S मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक दोनों ही कार्स में आपको देखने को मिलेगा। अभी मेरे हिसाब से बिल्कुल SX Executive ज़्यादा वर्थ रखता है, क्योंकि फीचर्स भी अंदर में देखो चाहे बाहर में देखो ज़्यादा दिए गए हैं, लुक्स भी ज़्यादा बेहतर है और साथ ही साथ में सेफ्टी फीचर्स भी ज़्यादा दिए गए हैं S मॉडल के कंपैरिजन में, जिसके लिए 99,000 बिल्कुल जो डिफरेंस है वो वर्थ रखता है। आपकी नज़र में क्या ओपिनियन है, आपका क्या सोचना है बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इन दोनों ही कार्स में आप कौन सा मॉडल खरीदो। हाँ गाइज, ऐसा नहीं है कि S मॉडल खराब, अगर आपका बजट नहीं हो रहा है तो आप S मॉडल ले सकते हो, बट आपको लगता है कि आप इतना बजट बढ़ा सकते हो तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए SX Executive ज़्यादा बेहतर। इंफोटेनमेंट नहीं दिया गया तो आप आराम से लगा के चलो कि अच्छा इंफोटेनमेंट लोगे तो आपको 30,000-40,000 rupees एक्स्ट्रा लग सकते हैं, तो बट उसके बाद भी यही सही है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।